गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ओजां का आई एस अकेडमी एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस दिखाएं जो जो भी बच्चे लाइव हैं ओके okay. तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर हम कैसे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें मैपिंग के थ्रू मानचित्रण जो है मैपिंग जो है उसके द्वारा करंट अफेयर सर बहुत ज़्यादा वास्ट होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है जियोग्राफिकल एस्पेक्ट होता है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक का एस्पेक्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशन का एस्पेक्ट होता है उन सब चीज़ों को हम एक साथ कैसे कवर करें क्या इसमें हमारी मैपिंग जो है मानचित्रण जो है वो क्या इसमें किसी तरह की मदद हमारी कर सकता है तो आज का जो सेशन हमारा होने वाला है आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो इसी चीज को कवर करेगा कि क्या और क्या क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए और किस तरीके से हम करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं मैपिंग किस प्रकार से हमारे इस पार्ट में हेल्प कर सकती है मैपिंग किस प्रकार से हमारी हेल्प कर सकती है, चलिए तो समझते हैं, देखिए जब भी बात आती है करंट अफेयर्स की तो आप देखिए करंट अफेयर्स में कोई ना कोई इवेंट जो है वो चलता रहता है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की या तो कोई घटना हुई होती है या किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिया गया होता है वो अलग अलग एस्पेक्ट में हो सकता है वो ज्योग्राफी के रेस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो इकोनॉमी के रेस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट हो सकता है लेकिन हम ये बात भी जानते हैं जब भी हम यू की प्रिपरेशन करते हैं तो भले ही वो किसी एक एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट हो लेकिन उसका असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ता है मान लीजिए कहीं वॉल्केनो फटा है ज्वालामुखी फटा है या अर्थक्विक आया है तो ये एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो सकता है कि हाँ भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है अभी अभी रिसेंटली फटा है या अर्थवीक जो है वो देखने को मिल रहा है लेकिन इसका इम्पैक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी पड़ता हमें जरूर दिखेगा पॉलिटिकल एस्पेक्ट वहाँ का चेंज होता हमें दिखाई देगा वहाँ की इकोनॉमी का लॉस होता हुआ हमें दिखाई देगा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता जो है उसे नुकसान होता हुआ हमें दिखाई देगा तो इवेंट भले ही किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता हो हम उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल सकते हैं विशेष श्रेणी के अंदर डाल सकते हैं लेकिन उसका प्रभाव बाकी सभी चीज़ों पर पड़ता है मतलब मानव जीवन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मानव जीवन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन सभी से इसका जुड़ाव जो है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है तो हम पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर उसे एक कैटेगरी में डाल देते हैं कि हाँ ये जोग्राफी के एस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर हम एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हर एक एस्पेक्ट को कवर करता हुआ हमें दिखाई देता है हर एक एस्पेक्ट को कवर करता हुआ हमें दिखाई देता है तो जब भी मान लीजिए कोई न्यूज़ जो है वो आपको देखने को मिलती है मैं अभी न्यूज़ भी दिखाऊंगा आपको कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो दिखाऊंगा कि कैसे हम आ, कुछ प्रैक्टिकल न्यूज़ के साथ में भी देखेंगे कि हाँ किस प्रकार से न्यूज़ आती है उसको हमारी मैपिंग जो है वो कैसे ईजी बना सकती है बट पहले समझते हैं कि प्रोसेस क्या हमारा होना चाहिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कि, कि किसी जगह को किसी न्यूज़ को अगर हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा तो उसके पीछे हमारे क्या Uh, किस तरीके से हमें जो है काम करना होगा उसके लिए उसकी बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं देखिए सबसे पहले तो कीप प्रेफरिंग टू मैप्स टू बेटर इवेंट्स अगर कोई इवेंट हुआ है कोई घटना हुई है तो उसको मैप में जरूर देखें चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो लेकिन उस जगह को उस पर्टिकुलर जगह को मैप में देखना ना भूले भले ही आप पढ़ते हैं रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो रशिया कहां है यूक्रेन कहा है आपको पता होना चाहिए रशिया ने यूक्रेन के किसी पर्टिकुलर हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए ये तो एक बड़ा इवेंट हुआ रशिया यूक्रेन तो आप कभी से सुन ही रहे तो बिल्कुल डेफिनेटली आप उसको फॉलो भी कर रहे होंगे देख रहे होंगे लेकिन एक अगर एक छोटी सी न्यूज भी आती है मान लीजिए जैसे मैं एक न्यूज अभी आपको दिखाऊंगा कि तालिबान जो है उसने कहा है कि हम बामियान बुद्धा की जो मूर्तियाँ हैं उसे अब नहीं तोड़ेंगे उनका संरक्षण करेंगे अभी तोड़ रहे थे कुछ दिनों पहले तक जो है वो तोड़ रहे थे उनका प्रोसेस पूरा तोड़ने का चल रहा था 2017-18 से ये चला आ रहा है 2017 थाउजेंड से हम देखते आ रहे हैं कि वो तोड़ रहे हैं बामियान बुद्धा की जो मूर्तियां हैं आई आई एस का भी काम रहा था तालिबान का भी काम रहा था और अभी तालिबान कर ही रहा था लेकिन अब तालिबान का स्टेटमेंट आया कि हम ये बामियान बुद्धा जो है उसको नहीं तोड़ेंगे अब ये बामियान बुद्धा क्या है आर्ट एंड कल्चर का पार्ट ज्यादा है डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ हिस्सा जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है हिस्ट्री से जुड़ा हुआ मुद्दा ज्यादा देखने को मिलता है लेकिन क्या वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्या वो मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है या मैपिंग उसको याद रखने में कैसे ईजी हमारे लिए प्रोसेस को बना सकती है जैसे ही आप बामियान बुद्धा की न्यूज़ को पढ़ते हैं उसको सबसे पहले जिस भी जगह पर बामियान बुद्धा की जो मूर्तियां हमें देखने को मिलती है जैसे उस जगह का नाम अगर मैं आपको बताऊं परसों की ही न्यूज़ है ये उस जगह का नाम है अफगानिस्तान में एक जगह है मैस आयनाक मैस आईनाक नाम की जगह पर बामियान बुद्धा जो है वो देखने को मिलते हैं तो उस मैस आयनाक की लोकेशन क्या है ये आप सबसे पहले देखें अगर आप उस चीज जगह की लोकेशन को देखते हैं उस पर्टिकुलर जगह को लोकेट कर लेते हैं अब आपको चीजों को समझना ज्यादा आसान हो जाता है अब लोकेट करने में भी प्रॉब्लम क्या आती है कई बार सर हमें मैस आईनाक जो है नाम तो हमने पढ़ लिया कहा है ये भी हमने न्यूज ने बता दिया कि अफगानिस्तान में है हमने अफगानिस्तान पहली अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए हम अफगानिस्तान का मैप खोलेंगे एटलस के अंदर एटलस हमारे पास होनी ज़रूरी है और एटलस के अंदर हम पहले सबसे पहले मैप जो है वो ओपन करेंगे मैप में जो पेज हमें अफगानिस्तान का मैप जहां पर भी दिखाई देता है उस पेज को ओपन करेंगे उसके बाद हम अफगानिस्तान में सर्च करने की कोशिश करेंगे खुद सर्च करेंगे पहली जो अप्रोच हमारी होनी चाहिए कि एटलस के अंदर हम खुद सर्च करेंगे कि वो मैस आइनाक नाम की जगह जो है वो कहां पर है अगर नहीं मिल रही तो न्यूज में अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि फला प्रोविंस में देखने को मिलता है या ऐसा है वैसा है इस रिवर के आसपास देखने को मिलता है इस माउंटेन के आसपास देखने को मिलता है ऐसी कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको न्यूज में मिलती है तो आप उसको देखें उस जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर दी गई है किसी रिवर का नाम दिया गया है किसी माउंटेन का नाम दिया गया है तो आप अफगानिस्तान के मैप में उस रिवर को ढूंढिए माउंटेन को ढूंढिए इससे आपकी क्या होगी दस चीज़ें आपको पता चलेंगी आपको एक नया नाम पता चलेगा कि हाँ अफगानिस्तान में इस नाम की रिवर भी बहती है काबुल नाम की रिवर भी बहती है या अफगानिस्तान में हिंदू कुश नाम का पर्वत जो है वो भी देखने को मिलता है अगर आप सर्च करेंगे तो मिलेगा आप अगर अल्टीमेटली आपने दो मिनट तीन मिनट चार मिनट पाँच मिनट खर्च किए लेकिन यह जगह नहीं मिल रही तो अब आपको पता ये तो चली गया कि छोटा सा मैप है उसमें अगर मैंने पाँच मिनट दे दिए तो इसका मतलब इसके अंदर वो जगह जो है वह मार्क्ड नहीं है मैंशनड नहीं है तब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए गूगल मैप पर सर्च करिए सेकेंड ऑप्शन है गूगल मैप पर सर्च करना पहला जो हमारा प्रोसेस का पहला कदम जो होगा पहला स्टेप जो होगा वो हमेशा यही होगा कि हम उसको एटलस में सर्च करें एटलस में सर्च करने से एक तो हमने जो मैपिंग पढ़ रखी है हमने अफगानिस्तान को कभी ना कभी पढ़ रखा है अगर पढ़ रखा है आपने तो आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें आप फिर से देखेंगे अच्छा हाँ यहाँ तो मुझे ध्यान था कि काबुल है अच्छा यहाँ पर हिंदू कुछ माउंटेन है ये सब कहीं ना कहीं मैंने पहले पढ़ रखा है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो भी आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी यहाँ पर ऐसा माउंटेन मिलता है यहाँ पर ऐसी रिवर मिलती है ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी और उसके बाद उस जगह को ढूंढिए उस जगह को ढूंढने में आप चार जगह दस जगह नई जो है वो देखेंगे और वो नई जगह जो है वो आपको याद रहने वाली है लंबे समय तक आप दो चार बार जब उस मै सेनाक को रिवाइज करने के लिए फिर से इस पेज को खोलेंगे तो वो सारी आसपास की जगह जो है वो फिर से आपकी रिवाइज हो जाने वाली है जब आप उनको रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो वहां पर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में जब मै सेनाक या बामियान बुद्धा से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है अगर वो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है चाहे वो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से एस्पेक्ट से पूछे तब भी आप उस क्वेश्चन को ज्यादा इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे तो पहली अप्रोच हमारी रहनी चाहिए एटलस फर्स्ट अप्रोच में हमारा पॉइंट हमें जो ढूंढना है वो किसमें ढूंढना है एटलस में ढूंढना है अगर एटलस में ना मिले नहीं मिले तभी हमें जाना है गूगल मैप या इंटरनेट की हेल्प जो है वो हमें लेनी है ये दूसरा ऑप्शन तभी लेना है जब हमें एटलस में वो जगह जो है वो नहीं मिल रही हो क्या मैं क्लियर हूं यहां तक अमृत बैठा ने लिखा सर एटलस में नहीं मिल रही है नहीं मिल रही है अगर आप एटलस में नहीं मिल रही तभी मैंने आपको बताया ना जब कोई जगह एटलस में ना मिले आप उस कॉन्टिनेंट को उस कंट्री को देख रहे हैं या कोई रिवर है अगर न्यूज में और आप उस रिवर को देख रहे हैं फिर भी अगर वो जगह एटलस में नहीं मिल रही आप दो मिनट तीन मिनट पांच मिनट मैक्सिमम दे दीजिए पांच मिनट में नहीं मिल रही है तो फिर आप मान के चलिए कि वो एटलस में मैं नहीं है और जब वो एटलस में मैंशन नहीं है तो फिर ये हमारा कर्तव्य बन जाता है हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम उसको एटलस में लेकर के आए क्योंकि रिवाइज जब हम करेंगे तो एटलस के थ्रू ही करेंगे जब भी किसी चीज के बारे में पढ़ेंगे एटलस के थ्रू ही पढ़ेंगे करंट अफेयर जब भी रिवाइज कर रहे होंगे हमने जो नोट्स बना रखे हैं उसके साथ में एटलस हमारे साथ में जरूर होगी तो उस समय पर एटलस के अंदर वो चीज पहले से मार्क्ड होनी चाहिए उस समय पर इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम तब सर्च करके ढूंढ करके वहां पर मार्क करें इतना समय तब नहीं होगा तो अभी आप उसको सर्च करके इंटरनेट के थ्रू सर्च करके इंटरनेट से आपको इतना तो पता चली जाएगा गूगल मैप्स पर डालेंगे लोकेशन या इंटरनेट पर डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको इतना पता चली जाएगा कि वो ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि नॉर्थ में है कि साउथ में है किस तरफ है ये जगह आपको पता चली जाएगी वहां पर आप डॉट लगा करके क्रॉस लगा करके गोला बना करके जिस भी तरीके से जो भी पैटर्न आप यूज करना चाहते हैं वो यूज करके वहां पर मार्क जो है वो कर सकते हैं ठीक है ठीके? ये हमारी अप्रोच रहनी चाहिए पहली कि कोई जगह न्यूज में अगर आई है तो हम उसको एटलस पर देख ले दूसरी पॉइंट जो हमें देखना है क्या उस जगह का उस लोकेशन का कोई जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है कोई भू राजनीतिक महत्व है ये एक और पॉइंट हमें वहां का देखना होगा कि जैसे अफगानिस्तान में हम बामियान बुद्धा वाले रीजन की बात कर रहे हैं मैं आइनाक रीजन की बात कर रहे हैं तो क्या उसका कोई जियो सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है डेफिनेटली देखने को मिल रहा है वो लोग जो हैं तालिबान जो है वो ये कह रहा है कि हम बुद्धा की मूर्तियां बामियान बुद्धा की मूर्ता मूर्तियां जो है वो नहीं तोड़ेंगे ये अपने आप में एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अपने आप में दिखाता है और वो किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पर है बामियान बुद्धा ऐसा नहीं कि हर जगह देखने को मिल रहा है किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पर है तो उसका जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जरूर है भू राजनीतिक महत्व जरूर है और अगर वो भू राजनीतिक महत्व है उस जगह का तो डेफिनेटली मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होने वाली है क्या मैं क्लियर हूं यहां तक एम आई क्लियर चलिए अब अगर आप ये सारा प्रोसेस नहीं कर पाते मैं तो एक दो न्यूज़ के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ये सारा प्रोसेस जो है वो कर पाएंगे देखिए एक न्यूज़ है जैसा मैं आपको बताता हूँ वट वर दी बामियान बुद्धाज एंड वाई डिड दी तालिबान डिस्ट्रॉय देम इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन कॉलम जो आता है उसकी न्यूज़ है ये और ये कल की ही न्यूज़ है थर्टी मार्च की न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है और बामियान बुद्धा के अच्छे अच्छे फोटोज़ जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं तो आपको समझना और आसान हो जाता है उन फोटोज़ को आप देखिए ये देखिए बामियान बुद्धा जो स्टेचू uh, है वो कहाँ पर है मैस आइनाक नाम की जगह पर देखने को मिल रहा है लोकेशन जो है ये बता रहा है हालांकि मैप इन इसके अंदर नहीं दिया है तो मैप के अंदर आपको मेंशन कर लेना अगर इन्होंने मैप दिया हो देखिए कई बार क्या होता है किसी आर्टिकल में मैप दिया होता है मैप दिया है तो लोकेशन आपको दे रखी है लोकेशन दे रखी है तो आप उसको अगर करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हैं तो चाहे तो उसको कटिंग करके भी लगा सकते हैं नहीं तो छोटा सा एक रफ स्केच जो है वो ड्रॉ कर लीजिए नोट्स के अंदर और उसके अंदर मेंशन कर दीजिए कि इस जगह पर महसाइनाक नाम की जगह जो है वो देखने को मिल रही है लेकिन इसमें नहीं दिया जैसे इस आर्टिकल की पर्टिकुलर में बात करूं तो इसमें कहीं भी नहीं दिया है बाकी सब कुछ दिया है महसाइनाक के बारे में लेकिन उसकी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं दिया मूर्ति वूर्ति सारी बात जो है वो यहाँ पर करी है लेकिन उसकी लोकेशन के बारे में कोई मैप वगैरह नहीं दिया है पूरा आर्टिकल ख़त्म हो गया कोई मैप जो है वो नहीं दिया ऐसी तो स्थिति में आप क्या करेंगे वही तरीका जो मैंने अभी आपको बताया एटलस पर ढूंढेंगे को अगर नहीं मिल रहा है तो फिर इंटरनेट पर सर्च करके एटलस के अंदर उसको मार्क कर लेंगे उस जगह को मार्क कर लेंगे कि यहां पर महसाइनाक जो है वो हमें देखने को मिल रहा है और बाकी सारी यहां से आप पढ़ लेंगे इसमें से जो भी काम की चीज एलडब्लू एम आई फॉर्मेट में नोट्स हैं वो आप अपने खुद के प्रिपेयर कर लेंगे आपका काम हो गया मैपिंग आपको हेल्प करेगी उस जगह को जानने में वर्षा ने लिखा है यस सर बामियान है मैप में गुड गुड अच्छी बात है बामियान अगर मैप में है तो तो ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए करंट अफेयर्स को अगर हमें तैयार करना है तो ये अप्रोच मैपिंग हमारी बहुत हेल्प करेगी जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं अब ये तो सर पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में न्यूज थी तो आपने कहा इसको मार्क कर लो लेकिन अगर किसी और टाइप की न्यूज हो तो हम कैसे प्रिपेयर करें मैं और टाइप की न्यूज की भी बात कर लेता हूं ये द हिंदू की न्यूज है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च की ब्रिक्स मीडिया होल्ड फर्स्ट जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर जर्नलिस्ट ब्रिक्स का जो मीडिया फॉरम है उसने जर्नलिस्ट जितने भी होते हैं पत्रकार जितने भी होते हैं उन सब का एक जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है करने जा रहा है ये न्यूज जो है वो हमें ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च की देखने को मिलती है अब इसके अंदर जैसे ही आप ये पढ़ते हैं देखिए यहां पर सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई होगी न्यूज के अंदर डेफिनेटली ब्रिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका इन पांच देशों को मिलाकर के ब्रिक्स जो है वो शॉर्ट बी आर आई सी एस जो हम देखते हैं बी फॉर ब्राजील आर फॉर रशिया आई फॉर इंडिया ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो ये पांचों नाम जो है वो आपको देखने को मिलते हैं लेकिन इसको आगे पढ़ने से पहले जैसे ही आप ये पांच देशों के नाम पढ़ते हैं सबसे पहले इन पांचों देशों को वर्ल्ड मैप पर लोकेट करिए एटलस खोलिए वर्ल्ड मैप खोलिए उसके अंदर लोकेट करिए कि ब्राजील कहाँ है रशिया कहाँ है इंडिया कहाँ है चाइना कहाँ है और साउथ अफ्रीका कहां है आप देखेंगे लगभग वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो कवर होते हुए आपको दिखाई देंगे कुछ कॉन्टिनेंट्स को छोड़ दीजिए साउथ अमेरिका कवर हो रहा होगा एशिया कवर हो रहा होगा यूरोप कवर हो रहा होगा रशिया जो है वो यूरोप और एशिया दोनों में देखने को मिलता है तो यूरोप कवर हो रहा होगा साउथ अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका कवर हो रहा होगा नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया छूट जाएगा वरना लगभग पूरा पूरा वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट जो है वो कवर हो रहे होंगे ये ये जो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है ये आपको वर्ल्ड मैप देखने पर पता चलेगी कि वर्ल्ड मैप में हमने देखा कि हाँ ये देश सबकी लोकेशंस डिफरेंट डिफरेंट है एक देश यहां मिल रहा है तो एक यहां मिल रहा है एक यहां मिल रहा है तो एक यहां मिल रहा है सब अलग अलग बिखरे हुए देश हैं और वो सारे देश जो है वो मिल करके अगर काम कर रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि हम यूएसए को काउंटर करने में ये ब्रिक्स जो है वो हमारी हेल्प करेगा या रशिया को काउंटर करने में हमारी हेल्प करेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को काउंटर करने में ये हमारी हेल्प करेगा ये सारे एस्पेक्ट जब आप समझने जाएंगे जो भी ब्रिक्स के बारे में आप जितने भी एस्पेक्ट हैं वो समझने की कोशिश जब करेंगे तो मैप बहुत ज्यादा हेल्प वहां पर करेगा मैप में पहले उन सारे कंट्रीज की लोकेशन जब आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प आप लोगों की हो जाएगी तो अब देखिए ब्रिक्स से रिलेटेड न्यूज थी कहीं आप मैप पर देखने ही नहीं जाते लेकिन अगर आप इसमें भी मैप को यूज करते हैं चीजें और आसान हो जाएगी कॉन्सेप्ट समझना और आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा एक और न्यूज दिखा देता हूं मैं आपको ये अगेन इंटरनेशनल रिलेशन बिम्स्टेक की न्यूज है पीएम मोदी मूड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर बिम्स्टेक 31 मार्च की कल की ही न्यूज है ये द हिंदू की और इसके अंदर आप देखिए भारत जो है आपने पढ़ ही ली होगी ये न्यूज भारत जो है अलग अलग पिलर्स बनाने की बात की गई है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसने कहा है भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है कि हम सिक्योरिटी पिलर जो है वो बनना चाहेंगे बिम्स्टेक का सिक्योरिटी पिलर जो है वो बनना चाहेंगे अब ये बिम्स्टेक है क्या है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी Technical टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इसका ऐसा कुछ नाम जो है वो हमें देखने को मिलता है इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं उन सारे कंट्रीज़ को आप लोकेट करिए मैप खोलिए एशिया का मैप खोलिए एशिया के अंदर देखने को मिलेंगे बे ऑफ बंगाल के आसपास, इसके नाम में ही बे ऑफ बंगाल आता है बंगाल की खाड़ी आता है तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के ही सारे देश जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं तो उनका क्या इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है फिर जब आगे आप जब इस न्यूज को पढ़ेंगे पहले लोकेट कर लेंगे उसके बाद इस न्यूज को जब पढ़ेंगे तो चीजें समझना आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा बहुत ईजी जो है वो आप लोगों के लिए ये पॉइंट हो जाएगा एक और न्यूज देखते हैं हिस्ट्री की न्यूज है ये डिसीजन ऑन मालाबार रिबेलियन मार्टियस डिफर्ड द हिंदू की 28 मार्च की न्यूज है हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज है मालाबार रिवेलियन जो हुआ था मालाबार विद्रोह जो हुआ था मालाबार विद्रोह जो हुआ था उसमें से इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च जो है आई जिसे हम कहते हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि 1921 का जो मालाबार रिबेलियन मार्टियर्स की जो लिस्ट थी मार्टियर्स यानी जो शहीद लोग थे मालाबार विद्रोह जो हुआ था 1921 का उसमें जो शहीद लोगों की जो लिस्ट है उसमें से कुछ नाम जो है वो हटाए जाएं और उन नामों में कुछ दो नाम जो है वो तो अलग से लिखे हैं कि वी हाजी और अली मुसलियार जो है इनका नाम हटाया जाए प्लस कुछ और नाम जो है उनको भी हटाया जाए ये आई की रिकमेंडेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है और इसके अंदर फिर सारी चीजें आपको बताई जाएगी कि फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल जो था उस समय पर मोपला बेसिकली ये मोपला विद्रोह जो था मोपला रिबेलियन जो था जो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते ही है वो आपको देखने को मिलेगा और मोपला जो है वो मालाबार कोस्ट पर देखने को मिलता है अब ये मालाबार कोस्ट कहाँ पर है पहले इंडिया का मैप उठाइए मालाबार कोस्ट को देखिए उसके बाद मोपला के बारे में सारी न्यूज़ पट्टी जो है वो स्टार्ट करिए इस न्यूज़ को समझने की कोशिश करिए चीज़ें ऑटोमेटिकली आसान होने लग जाएंगी अगर आप मैप पर नहीं देख रहे हैं मालाबार को और सीधा समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए चीजें उतनी ही ज़्यादा टफ होती चले जाएंगी फिर आप कहेंगे कि ये न्यूज़ नहीं समझ आई है ये एडिटोरियल हमें नहीं समझ आया क्योंकि आपने उसको पहले मैप पर लोकेट करने की कोशिश ही नहीं की मैप पर लोकेट करेंगे तो पता चलेगा मालाबार कोस्ट कहाँ पर है अरेबियन सी से लगा हुआ है अरेबियन सी की इंपॉर्टेंस क्या है कि ट्रेड जो है वेस्ट के साथ में अच्छा हो सकता है पश्चिमी देशों के साथ में अच्छा हो सकता है तो वहाँ के ये व्यापारी लोग थे तो व्यापार करते थे वहाँ पर वेस्टर्न घाट भी देखने को मिलता है वहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो देखने को मिलते हैं वो पोर्ट और हार्बर के लिए ज़्यादा उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कराते हैं स्थितियां जो है वो डेवलप कराते हैं या अवेलेबल करवाते हैं चीजें आसान होती जाएंगी आप चीजों को कनेक्ट करते जाइए मैप पर देखते जाइए और फिर इस हिस्ट्री की न्यूज को पढ़ते जाइए न्यूज हिस्ट्री की है आप कहीं इसमें मैप यूज नहीं करते मैं गारंटीड कह सकता हूं कि आप इसमें कहीं मैप यूज नहीं करते लेकिन अगर आप इसमें मैप यूज करते हैं ये न्यूज समझना आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा बहुत आसान जो है चीजों को बना देती है मैपिंग जनरली मैपिंग जो है वो बहुत आसान इन सब चीजों को बना देती है क्या मैं क्लियर हूं यहां तक नेक्स्ट तो ये न्यूज़ जो है वो हमने देखी कि ये न्यूज़ जो है वो हमारे लिए कैसे काम आ सकती है और इनमें हमारी मैपिंग जो है वो कैसे हेल्प कर सकती है इन सारी न्यूज़ को समझने में और ज़्यादा आसान बना देता है मैपिंग वाला पार्ट इन सबको समझने में चाहे वो न्यूज़ किसी भी एस्पेक्ट की हो चाहे वो न्यूज़ इकोनॉमी की रही हो चाहे वो न्यूज़ हिस्ट्री की रही हो चाहे वो न्यूज़ आर्ट एंड कल्चर की रही हो अभी हमने हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की दो न्यूज़ देखी ही थी चाहे वो न्यूज जो है वो पॉलिटिकल सीनेरियो की रही हो जैसे कि मैंने आपको सार्क और बिमस्टेक की न्यूज जो है वो दिखाई तो वैसी कोई भी न्यूज जो है वो यहां पर प्रेजेंट हो सकती है लेकिन वो हमारे लिए मैपिंग के थ्रू उसको समझना काफी आसान जो है वो हो जाता है ठीक है वो काफी आसान हमारे लिए हो जाता है मैपिंग के थ्रू इसको समझना और इसीलिए आप सभी के लिए मैपिंग का पूरा एक डेडिकेटेड बैच जो है वो मेरी तरफ से लाया गया है टेंथ ऑफ अप्रैल से हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो है उनकी डिमांड है कि सर हमें ज्वाइन करना है करना है करना है तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी समय हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है अट्ठाईस मार्च से क्लासेस होनी थी बट हमने दो दिन जो है क्लासेज ली उसके बाद टेंथ ऑफ अप्रैल से हमारी क्लासेज जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं प्रॉपर क्लासेज जो है वो दस अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही हैं तो जो बच्चे रह गए हैं वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और उनके लिए जो डिस्काउंट है वो कंटिन्यू है चार हज़ार रुपये नहीं किया गया है इसका प्राइस दो हज़ार रुपये में ही अवेलेबल है कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर हम जब मैपिंग किसी और बैच में पढ़ ही रहे हैं आपके द्वारा ही पढ़ रहे हैं कुछ और बैचेस के अंदर हमने पढ़ी है तो फिर हम इस बैच को क्यों ज्वाइन करें इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करें तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब जो है वो कर ठीक है बेसिकली क्या होता है मैपिंग जब भी की जाती है मानचित्रण जब भी किया जाता है तो होता क्या है जनरल ट्रेडिशन जो रहा है हमेशा से मैपिंग का वो ये रहा है कि मैपिंग की चार पांच क्लासेस जो हैं आठ दस क्लासेस मैक्सिमम अगर एक एक घंटे की क्लास होती है तो आठ दस क्लासेस जो है वो होती है और उसके अंदर कुछ 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 मेजर लोकेशंस जो है वो मार्क करवा दी जाती है अफ्रीका उठाए अफ्रीका की चार पाँच नदियाँ बता दी यहाँ से ये बह रही है यहाँ से ये बह रही है ये माउंटेन्स दिखा दिए मुश्किल से एक घंटे में अफ्रीका जो है वो कम्प्लीट हो जाता है या दो घंटे में अफ्रीका जो है वो कम्प्लीट हो जाता है या Uh, किसी और कॉन्टिनेंट को उठाया उसके बारे में एक घंटे या डेढ़ घंटे के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे दी जाती है जस्ट वो एक रटने जैसा प्रोसेस हो जाता है कि आपको लोकेशन रटनी पड़ती है यहाँ नदी बो बह रही है यहाँ नदी बह रही है यहाँ नदी बह रही है यहाँ पर माउंटेन जो है वो देखने को मिल रहा है ज्यादा प्रोसेस जो है वो रटने जैसा हो जाता है क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में चलता है लेकिन हम जो इस कोर्स के अंदर क्योंकि हमारा जो ओजांग आई एस है वो इनोवेशन में बिलीव करता है टीचिंग में भी इनोवेशन होना चाहिए पढ़ाने में भी नवाचार होना चाहिए कुछ नया जो है वो आप लोगों तक तो पहुंचना चाहिए कुछ नए तरीके जो हैं वो अपनाए है जाने चाहिए क्योंकि आज हमारे पास डिजिटल बोर्ड्स हैं जैसे कि अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो डिजिटल बोर्ड्स है तो मैपिंग पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है मैं पर्टिकुलर मैपिंग की अगर बात करूं तो मैपिंग पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है मैं पूरा मैप जो है यहाँ ला सकता हूँ मैप को पूरा जूम करके आउट करके जूम इन करके आपको दिखा सकता हूँ तो उससे मैपिंग के थ्रू ही हमने एक जो डिसीजन लिया ओजांग सर ने भी मुझे इसमें गाइड किया और हमने एक जो डिसीजन लिया कि हम मैपिंग के थ्रू ही पूरी ज्योग्राफी जो है उसको समझें और न सिर्फ ज्योग्राफी को समझें बल्कि हिस्ट्री को भी समझें हिस्ट्री के कुछ एस्पेक्ट्स जो कि मैप से कनेक्ट होते हैं उनको भी समझने की कोशिश करें इंटरनेशनल रिलेशन जो जियो जो होती है इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी काम आती है उसको भी समझने की कोशिश जो है वो हम करें इस वजह से ये एक बहुत ही अलग टाइप का बैच जो एक पहला प्रयास है अपनी अपने आप में एक यूनिक चीज़ है जो पहले कभी किसी के द्वारा नहीं की गई वैसा एक यूनिक एफर्ट जो है वो आप लोगों के लिए लाया गया है जिससे कि आप मैपिंग के थ्रू क्योंकि देखिए मेरे क्लास में ज़्यादातर बच्चे कई बार ऐसा कहते हैं कि सर मैं आपने क्लास कब स्टार्ट करी और कब खत्म हो गई क्लास पता ही नहीं चला क्योंकि वो मैप पर सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो मैप पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट जिस चीज़ को हम इंटरेस्ट जो चीज़ हमारे लिए इंटरेस्टिंग होती है उसमें समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता एक घंटे की क्लास कब निकल जाती पता ही नहीं चलता तो मैपिंग के थ्रू ही हम उन सारे कॉन्सेप्ट को समझ लें जो कि हमें बहुत बारीक भरकम लगते हैं या जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हिस्ट्री में ये कैसे क्या हो रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में ये कैसे क्या सीनेरियो चल रहा है नहीं समझ आ रहा है या इंटरनेशनल रिलेशन में ये क्या सीन चल रहा है नहीं समझ आ रहा है या ज्योग्राफी का ये जो कंसेप्ट है कि प्लेट टेक्टोनिक्स ऐसे इन्वॉल्व होती है यहां माउंटेन फोल्ड हो जाता है ये हो जाता है नहीं समझ आ रहा है तो उन सारे कॉन्सेप्ट को हम एक साथ लेकर के आए और मैपिंग के थ्रू उसको कवर करने की कोशिश करें ये एक पूरा यूनिक एफर्ट जो है वो इस बैच के अंदर आप लोगों के लिए लाया गया है और दूसरी चीज में और अगर आपको बताऊं तो खासतौर से जब इंडियन ज्योग्राफी की बात आती है देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे कॉन्टिनेंट्स के ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम कवर करते चलेंगे सारे पॉइंट्स एंड डेफ कवर जो है सारी चीजें करेंगे स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल जो है उससे रिलेटेड मिनरल्स उद्योग जनसंख्या परिवहन माइग्रेशन uh, इमिग्रेशन ये सारी चीजें जो है वो हम यहां पर कवर करते हुए चलेंगे और सेम इंडियन ज्योग्राफी में भी देखिए पीक्स पासिस ग्लेशियर्स ये तो सब आप भी एटलेस में ढूंढ ढूंढ करके मार्क खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैप के थ्रू ही मैपिंग के थ्रू ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे रिसोर्सेज कौन कौन से मिलते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से संसाधन मिलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं रिवर्स अगर हम अच्छे से मार्क करते हैं एटलस में तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हमें अच्छे से समझ में आते हैं मिनरल रिसोर्सेज कहाँ कौन कौन से मिल रहे हैं देन एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ कौन कौन से मिल रहे हैं उसमें भी ट्रेडिशनल टाइप के पारंपरिक प्रकार के कहाँ मिल रहे हैं गैर पारंपरिक या नवीकरणीय जो है रिन्यूएबल जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं कहाँ ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं जहाँ पर कि हम ये सारे काम कर सकते हैं विंड एनर्जी की बात कर सकते हैं या वेव एनर्जी की बात कर सकते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर सकते हैं सब कुछ मैप के थ्रू पढ़ेंगे इतना सब कुछ मैप के थ्रू कभी किसी के द्वारा नहीं पढ़ाया गया हम इस मैपिंग मैच के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे सब कुछ मैप के थ्रू ही होगा सब कुछ मैप के थ्रू मैप के, के अलावा और किसी चीज को हम हाथ नहीं लगाएंगे बस एटलस चाहिए कि आप लोगों को एटलस के द्वारा ही सारी चीजें जो है सारे कंसेप्ट जो हैं वो हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे इंडस्ट्रीज जो है पॉपुलेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है टूरिज्म और एन्वायरमेंटल इकोलॉजी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आठ से दस क्वेश्चन कई बार हमें यहाँ से बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व इन सब चीज़ों से राइट रामसर साइट्स और इन सबको मिलाएं तो आठ से दस क्वेश्चन हमें प्रिलिम्प्स में यहाँ से सीधे सीधे जो है वो देखने को मिल जाते हैं और सारे मैप बेस्ड होते हैं ठीक है सर मार्क करने का सही तरीका मैं जनरली बच्चों को बताता हूं मार्क करने के लिए आप अपने साथ में एक हाईलाइटर रखें और एक पेंसिल भी रखें और एक पेन भी रखें ये तीन चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए जब कोई लोकेशन मैं दिखाता हूं और आपको मिल जाती है या आप खुद देख रहे हैं और आपको मिल जाती है तो आप उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें अगर वो नहीं मिल रही कई बार क्या होता है हाईलाइटर काम ही नहीं करता वो डार्क ही इतना होता है कि हाईलाइटर वहां पर काम ही नहीं करता आप उसको हाईलाइट भली कीजिए लेकिन पीछे का बैकग्राउंड ही बिल्कुल ब्राउन कलर का है तो वो मार्क हो ही नहीं पाता तो वहां पेंसिल काम आएगी पेंसिल जो है उसको चारों तरफ बॉर्डर बना करके अच्छे से मार्क कर दीजिए और अगर कोई जगह नहीं मिलती है कोई जगह मैं आपको दिखा रहा हूं या आपने खुद सर्च करी गूगल मैप पर सर्च करी नहीं मिली आपको और अल्टीमेटली इंटरनेट की हेल्प से आपको मिल गई तो आप उसको एटलस में मार्क करना चाहते हैं तो वहां पर आपकी पेंसिल या पेन जो है वो बहुत काम आएगी ये सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए तभी आप मैप को साथ में लेकर के बैठे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती चीज़ें ठीक है? Uh, सुशांत ने लिखा है सर मुझे मैपिंग आती है बट उसकी डायरेक्शन नहीं पता है कैसे मैप को देखें प्लीज सॉल्व माय क्वेश्चन आप मैपिंग की क्लास में जब बैठेंगे ना तब आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा ऐसा मैं आपको दो मिनट में नहीं बता सकता कि कैसे क्या हो जाएगा मैप जो है वो आप कैसे देख पाएंगे लेकिन अगर आप मैपिंग की क्लास में बैठेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैपिंग जो है उसके कुछ बेसिक्स हम पहले समझने की कोशिश करेंगे ट्रेडिशन क्या रहे हैं परंपराएं क्या रही हैं कार्डिनल पॉइंट्स जो हैं दिग्ग सूचक दिग्ग सूचना जो है वो कैसे निकाली जाती है वो सब चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम जनरली मैपिंग जो है वो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं मैपिंग की क्लास में आई थिंक अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा कि मैपिंग जो है वो कैसे की जाती है करंट अफेयर्स जो है उसको मैपिंग से कैसे पढ़ा जाता है करंट अफेयर्स में मैपिंग कैसे हमारी हेल्प कर सकती है और कुछ प्लेसेस जो न्यूज़ में रहते हैं जो प्लेसेस इन न्यूज़ जिसे हम जनरली टाइटल दे देते हैं जहां से कि क्वेश्चन अपियर होते देखे गए हैं न्यूज़ से जो पे, आ, कोई जगह मान लीजिए कोई रिवर मान लीजिए कोई जैसे भारत की बात करूँगा नेशनल पार्क है जो न्यूज़ में रहा है कोई रामसर साइट है जो न्यूज़ में रही है और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट जो है वो यूपीएससी प्रॉब्लम में पूछ लेती है वहां कौन सा माउंटेन देखने को मिलता है वहां से कौन सी रिवर फ्लो करती है कौन सी नदी बहती है ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स जो है वो वहां से पूछ लेती है यूपीएससी जनरली तो उसके लिए हम करंट अफेयर्स में जो भी जगह देखें एटलस में उसको मार्क करते चले एटलस हमारा बहुत महत्वपूर्ण साथी है आप उसको हल्के में ना ले वो अगर मैं कहूं तो सारी जो हमारी बुक्स हैं उनमें सबसे ऊपर स्थान जो है वो एटलस का होना चाहिए क्योंकि एटलस के थ्रू ही हम बाकी के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको समझने में एटल्स जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एटलस के थ्रू ही उन सब्जेक्ट्स में घुसा जा सकता है एंट्री जो है उस एटल्स के थ्रू ही हमें मिलेगी तो आई होप कि आपने सारी बात जो है वो आप लोगों को क्लियर हुई होगी किसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रह गया है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं उसे पूरा करने की उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जो है वो पूरी मैं आपकी करूंगा आ, मिलते हैं अगले सेशन में आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं मिलते हैं अगले सेशन में थैंक यू बच्चों थैंक यू एवरीवन